लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यस, हाउ कैन आई हेल्प यू? हाय। मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगे। ओ थैंक यू निखिल, थैंक यू। कम लेट्स हैव सम मुंबईया चाय, चलो ना। सो कैसी है तुम्हारी नई दुनिया? सुपर वंडरफुल, सो एक्साइटिंग। समरपुर की याद नहीं आती? तुम्हारी बहुत याद आती है। थैंक गॉड तुम आ गए। इतने बड़े शहर में अकेले डर नहीं लगता? अकेले? यू मस्ट बी जोकिंग। इस शहर में अकेले होने का टाइम कहाँ है? हाँ, अकेले तो हम पड़ जाते हैं। वो क्या कहती हो तुम हमें? स्मॉल टाउनर्स। नेहा चलो वापस चलते हैं। व्हाट? तुम मुझे वापस ले जाने आए हो? हाँ नेहा, मैं ही नहीं, मॉम, चोपड़ा अंकल सब यही चाहते हैं। बट इट्स टू लेट निखिल, मैं चाहूँ तो भी वापस नहीं जा सकती हूँ। मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हूँ। गर्ल्स, 2 मिनट्स टू रीग्रुप। देखो निखिल, मुझे जाना है। ओके, आई सी यू लेटर, बाय। एक बार फिर सोच लो नेहा, ये सबकी खुशी का सवाल है। सवाल ही नहीं उठता निखिल, मैं इतनी दूर वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ। तो ठीक है, मैं भी वापस नहीं जाऊंगा। व्हाट? मैंने कहा मैं भी वापस नहीं जाऊंगा, तुम्हारे इसी शहर में रहकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। गुड, हो सकता है कुछ दिन बाद तुम भी ना जाना चाहो। ओके, आई रियली हैव टू गो नाउ, हां, आई सी यू लेटर, बाय। Excuse me, lift please. Hey! अरे, hey, wait! Hey, lift रोको, देखो। इस लड़की का प्रॉब्लम क्या है यार? Come on, Nix. Excuse me. Who do you think you are? पुलिस को बुलाओ क्या? तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? वाह, I don't follow you. मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ। मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ तुमने लिफ्ट क्यों नहीं रोकी? शुद्ध है ये शगुन? आज छोकरो कौन छे? गुंडो छे मामा। मारी पाछड़ अहियां सुधी आवी गयो। मी गुंडो छे? What are you talking about? देखने में तो शरीफ लगता है। मामा प्लीज, आई नो बेटर, ओके? ए यू, तुम जाते हो या बुलाओ पुलिस को? पुलिस, शगुन सुनो तो। बुलाओ मैं। ओके, आई एम गोइंग। जोयू कैसे भाग गया? बोलती बंद हो गई उसकी, इडियट। पुलिस को बुलाऊं? मम्मी को बुलाऊं? फोन लगाऊं? यार ये शगुन है तो अपशगुन क्या होगा? माय गॉड। जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मामा, जतन अंकल के यहाँ कोई रहने आया है क्या? लगता है। अच्छी बात है ना? क्या अच्छी बात है? पिछले 2 घंटे से मोहम्मद रफी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मैं अभी आई। तुम? वेट। ये गुंडा यहाँ तक पहुँच गया?
क्या है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रह रहा हूँ। मगर ये तो जतिन अंकल का घर है। हाँ, अब मेरा। You want some? No, I hate noodles. यानी तुम सचमुच मेरे सर पर रहने आ गए? यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने चांस ही नहीं दिया। चांस? I hate all this double meaning talk, okay? Double meaning क्या बोला मैंने? और ये सब शोर भी नहीं चलेगा यहाँ पे, समझे? What? शोर? That's मोहम्मद रफी। उनके दुश्मन ने भी उनके गाने को शोर नहीं कहा। Do you know that? Okay, okay. Now listen. पास ही में यहाँ एक बस। Shh. क्या है? म्यूजिक बंद हो गया है, वॉल्यूम डाउन, कंटिन्यू। पासी में एक बस्ती है, वहाँ शादी में लाउड स्पीकर्स बजते हैं, वहाँ तुम्हारी जरूरत बहुत पड़ेगी, गॉट इट? थैंक्स, तुम्हारा रेफरेंस दूँ? शट अप, इडियट। गुड नाइट। वैसे लाउड स्पीकर तो खुद है यार। पता नहीं जतिन अंकल को क्या हो गया, ऐसे जंगली आदमी को घर में रखा है कि पूछो मत। बेटा अगर वो जंगली होता तो झट से तुम्हारी बात नहीं मानता और म्यूजिक नहीं बंद करता। लेकिन वाह इस दीवाने दिल ने क्या जादू चलाया, तुमको हम पे प्यार आया, प्यार आया। सॉरी आंटी, अब मैं बंद करता हूँ। नहीं नहीं चलने दो, मैं तो सिर्फ इतना पूछने आई हूँ, इतने पुराने गाने तुम्हें मिले कहाँ से? ओ अब एक्चुअली आंटी, ये मेरे डैड का कलेक्शन है, बैठिए ना आंटी। नो नो इट्स ओके। वैसे आजकल ऐसे गाने सुनने को कहाँ मिलते हैं, मिलती भी है तो किस लिबास में? So sad ना? जी बिल्कुल। वैसे अगर हमारी दादी अचानक जीन्स पहनकर घूमने लगे तो अजीब लगेगा नहीं? जीन्स? वैसे अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आंटी, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग इसे आजकल शोर समझने लगे। वो शगुन को जरा गुस्सा जल्दी आ जाता है, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट, मैं तुम्हारा कलेक्शन देख सकती हूँ? या प्लीज प्लीज। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहां। क्या बकवास कर रही हो तुम? चार हफ्ते लगते हैं गाना ढूंढने को, गाना ही तो ढूंढना है, कोई ईमानदार नेता ढूंढने को तो नहीं कहा? सर वो गाना तो केएल सहगल के किसी भी एल्बम में नहीं है, दरअसल वो इम्पॉसिबल, मैंने खुद सुना है कुंदन को गाते हुए। दिल जलता है तो जलने दे, अगर दो दिन के अंदर तुमने वो गाना ढूंढ के नहीं दिया तो दूसरी नौकरी देख लो। सर प्लीज, व्हाट डू यू थिंक? इस प्लैनेट टाइम का मालिक मेरा दोस्त है, समझी? जब भी लंदन से आता है मेरे साथ बैठ के बियर पीता है। सर आपकी वजह से मुझे केएल सहगल के सारे गाने सुनने पड़े, मगर वो गाना, मगर मुझे उस गाने के अलावा और कुछ नहीं सुनना, दैट्स ऑल। दूसरी नौकरी देख लो तुम, बात करते हैं। देखना तो आपको चाहिए था सर, ये एल्बम दूसरे सिंगर का, ये देखिए दिल जलता है, सहगल साहब ने नहीं मुकेश साहब ने गाया था, फिल्म पहली नजर, म्यूजिक डायरेक्टर अनिल विश्वास। नॉनसेंस, मेरा विश्वास कीजिए सर, देखिए ना। लेकिन मैंने तो खुद सहगल साहब को सुना गाते हुए। कोई बात नहीं, डजंट मैटर, तुमने मेरा काम कर दिया और तुम्हारा भी, वरना तुम्हारी नौकरी चली जाती और वो मैनेजर रहमान की भी, लेकिन है कहाँ वो आशिक हमारा? बीवी का बच्चा, कह देना उससे कि हम आए थे अंगल साहब। गया क्या बुढ़ा पाइप से लटकते हुए? Hey, I'm Sarah. Hi. Thanks so much. आपने मेरी नौकरी बचा ली। Oh no, please don't mention it. It's all right. Nice to meet you. Yeah? Thanks. Thank you, dost. I am Rahman. AR Rahman. The AR Rahman. क्यों? इतने बड़े इंडिया में कोई दूसरा AR Rahman नहीं हो सकता? Yeah. वो म्यूजिक बनाकर बेचता है, मैं म्यूजिक बेचकर बनाता हूँ। पुलिस से भागकर आयो? फिर पुलिस? मेरी शक्ल पर लिखा है कि मैं पुलिस स्टेशन से भाग रहा हूँ। अरे यार, तुम स्टोर के अंदर कम, स्टोर के बाहर ज्यादा देख रहे हो। जाने दीजिए, मैं ये सीरीज खरीदना चाहता हूँ। 10,000 रुपए? ये 10,000 रुपए की सीरीज है? 10,000 रुपए मैं तुम्हें दूंगा। आप मुझे 10,000 रुपए क्यों देंगे? अरे यार, तुम म्यूजिक का इंसाइक्लोपीडिया हो, तुम्हें काउंटर के इस तरफ नहीं काउंटर के उस तरफ होना चाहिए था। नौकरी करोगे? नौकरी नहीं, थैंक्स। अरे क्यों? इंडिया का नंबर वन म्यूजिक स्टोर है, प्लैनेट एम। या दैट्स ग्रेट। अरे फिर बात, तुम इधर आओ यार, इधर आओ दोस्त। देखो वैसे तो यहाँ नौजवानों की भीड़ लगी रहती है, मगर तुम्हारे जैसा हैंडसम लड़का अगर इधर काम करेगा तो खूबसूरत लड़कियां और भी आएंगी। मेरी सेटिंग यार, समझा करो। थैंक्स, बट मुझे नौकरी नहीं करनी। क्यों?
काम पसंद नहीं है, दाम पसंद नहीं है, जगह पसंद नहीं है, क्यों? नहीं, जगह तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर नौकरी पक्की, पक्की, डन, डन, पक्की। हाँ, या या, ओके। ओह, वेलकम टू प्लैनेट टाइम, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लंच टाइम स्टार्ट्स। ओके ओके, लिसन टू दिस वन। विमान में इमरजेंसी के चार द्वार होते हैं, आगे दो द्वार, पीछे दो द्वार। चारों ना खुले तो हरिद्वार। हाय। हाय। तो फिर क्या सोचा तुमने? किस बारे में? समरपुर के बारे में। अब ये मेरे पास टिकट्स हैं, आज शाम 6 बजे की ट्रेन। निखिल, समरपुर जैसी जगह में सिर्फ स्ट्रॉबेरी जिंदा रह सकती हैं, इंसान नहीं। लेकिन यहाँ मैंने... निखिल प्लीज, हमें एक दूसरे के प्यार और साथ से मतलब है, तो फिर हम समरपुर में रहे या कहीं भी, क्या फर्क पड़ता है? लुक निखिल, मेरा फैसला फाइनल है। मैं जानता हूँ तुम्हारा फैसला जरूर बदलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी फैसला फाइनल नहीं होता। तो क्या सुलझन को सुलझाने के लिए किसी कोर्ट में जाएं? उतना दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामने एक म्यूजिक स्टोर है, प्लैनेट एम, वहां मुझे नौकरी मिल गई। जब भी समरपुर की याद आए, आई एम जस्ट अक्रॉस द रोड। निखिल, आफ्टर यू। सेक्रेटरी को बुलाओ, बताओ कि तुमने लिफ्ट रोक रखी है। अभी बुलाती हूँ। सेक्रेटरी को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, फोन घुमाओ, मम्मी को बुलाओ, डैडी को बुलाओ, बे 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 बे। जस्ट स्टॉप इट, ओके? मेरे डैड के लगता है कुछ गलत बोल दिया यार, माफी मांगो। लिफ्ट, ए लिफ्ट बंद कर। ओह सॉरी। एक रिसर्च के अनुसार हिंदुस्तान में करोड़ों लोग रात को भूखे पेट सोते हैं, जिससे उनकी सेहत पर असर पड़ सकता है और उनकी जान भी जा सकती है। इसी सिलसिले में पेश है हमारी जलगांव। लगता है मुझे भी बिस्किट से काम चलाना पड़ेगा। राजेश बादल की एक रिपोर्ट। कुछ खाना तो बनाना आता नहीं। ओह मॉम, आई मिस योर खिचड़ी। अरे खिचड़ी बनाना क्या मुश्किल है, आओ मैं तुम्हें बताती हूं। थैंक्स आंटी। किचन में आ जाओ बेटा। पिलाओ पिलाओ मां, सांप को और दूध पिलाओ। देखो कर पकड़ो। ये डाला चावल। ओके। ये डाली दाल। अब इसमें पानी डालो। और फिर क्या करूं? फिर मेरे सर पे रखो, इडियट। फिर तो कुकर फट जाएगा नहीं आंटी? चल बदमाश। बैक जोक। खिचड़ी। मैं भी आऊं क्या पकाने? मैं अकेले ही खाऊंगा। शगुन, निखिल केटलू फाइन छोकरू छे। देखो ना कैसे घर बैठे बैठे खिचड़ी खा रहा है। कड़का होगा मम्मा। मैं तो उसे खाने पर रुकने वाली थी, और तुम भी ना उसे। मम्मा पे कैंटीन क्यों नहीं शुरू करती? बिल्डिंग के वॉचमैन बेचारे भी खा लिया करेंगे। शगुन, तारे प्रॉब्लम सूची हाँ? जब भी उसका नाम लेती हो तुम गर्म हो जाती हो। पता नहीं मम्मा, जब भी उसकी सूरत देखती हूँ मेरा दिमाग धम से उठ जाता। ये तो कुकर सच में फट गया यार। कहीं मेरी काली जबान तो नहीं है? Not bad, Nix. अगली बार उसकी माँ को कहना कि प्रेशर कुकर के साथ में एक हेलमेट भी दे। सॉरी सॉरी। इसको क्या हो गया? आज इसका बर्थडे है और इसको किसी ने विश नहीं किया है। अरे तो इसको विश करते हैं भाई। अभी नहीं, अभी नहीं, शाम को। ओके। उसके लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी है। आहा। उसकी एक कजिन है नम्रता, अनमैरिड। सेटिंग राइट। उसको सबको इनवाइट करने की रिस्पांसिबिलिटी दी है। पार्टी को तुझे जमाना है। एक्सक्यूज मी, सॉरी। ये कहां ले आए हो मुझे? शायद किसी का बर्थडे है। बर्थडे? हाँ।
remember Tesara. You remember. We remember. We. ये मेरी खूबी नहीं, ये मेरी कमजोरी है. खूबसूरत लड़की का बर्थडे तो मैं भूलता ही नहीं हूँ. Happy birthday. Cheers. And cheers. मैं नहीं पीता रहमान. Oh, come on, ये शैंपेन है. हाँ तो मैंने कब कहा कि शैंपू है. Come on, निखिल. मैं शराब. शैंपेन को शराब कहकर शैंपेन की इंसल्ट मत करो. Come on, बर्थडे गर्ल का दिल मत तोड़ो. And now from the birthday girl. Come on, Nikhil, come on. Very good. And now from A.R. Rahman. अरे रितु भी तो नहीं तू. मैं आता हूँ. I'll get him. Yeah. Hi. Hi. Dear. Stop. अरे stop it. निखिल इतनी रात को यहाँ क्यों उतरना है. Okay. गुड नाइट रमन भाई. गुड नाइट. गुड नाइट. थैंक्स फॉर द शर्ट. ओ मखना वे. वो निखिल. हाय नेहा. नेहा तुम्हारी बहुत याद आ रही है. क्या करूं निखिल प्लीज. इट्स 2 o'clock इन द मॉर्निंग निखिल. मैं भी तुम्हें मिस करती हूँ. बट लुक निखिल प्लीज ट्राई टू कंट्रोल योरसेल्फ. एग्जैक्टली. यू डोंट नेहा लाइफ में कंट्रोल होना बहुत जरूरी है. यू मस्ट कंट्रोल योरसेल्फ. कोई तो नहीं है मेरे पास नया कंट्रोल. न खुद पर, न तुम पर, न इस दिल पर. नेहा I'm really missing you, नेहा. चलो 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 सरपुर वापस चलते हैं. मॉम के पास, तुम्हारे डैड के पास. लेट्स गो बैक. मैं ऐसा करता हूँ, मैं अभी तुम्हें पिकअप करने आता हूँ. I'll be right there. निखिल you're drunk. I'm not drunk. शैंपेन को शराब बोलकर उसकी इंसल्ट मत करो. निखिल कल मेरे लिए बहुत खास दिन है. मैं अपनी पहली फ्लाइट पर जा रही हूँ. सुबह जल्दी उठना है and I need to feel good and look good. तुम कल जा रही हो? निखिल if you really love me, अगर तुम चाहते हो कि कल मैं तुम्हें अपनी आंखों में लेकर उड़ूं, तो दोबारा फोन मत करना. If you really love me, अगर तुम चाहते हो कि कल मैं तुम्हें अपनी आंखों में लेकर उड़ूं, तो दोबारा फोन मत करना. ये गुजरात की स्पेशल डिश है ऊंदियों. अच्छा लगे तो और मंगवा लेना. कविता आंटी. So sweet of you, aunty. अपने बदल गए तो क्या हुआ? कुछ पराए तो अपने बन गए. Thank you, aunty. Welcome aboard. आज आप लोग रियल एयरक्राफ्ट के अंदर अपना डेमोन्स्ट्रेशन देंगे. वहां पर पैसेंजर्स के साथ हमारे ऑफिसर्स भी होंगे जो आपको गाइड करेंगे. बेस्ट ऑफ लक एंड कैच यू लेटर एट द इमिग्रेशन. थैंक यू सर. Please, don't create a scene here. क्यों तुम बार बार इस तरह? कल रात के लिए I'm really sorry. मैंने सोचा
एक आखिरी बार पूछ लूं, वापस चलोगी मेरे साथ? मेरी दुनिया बहुत बड़ी है निखिल, और तुम उस समरपुर के कुएं के मेंढक हो। मेरा रास्ता वहां है, आसमान में। मुझे लगता है जिद को लेकर एवरी नाउ एंड देन तुम्हारा इस तरह मेरे सामने आना, यू नो, इससे अच्छा है कि हम ना मिलें, कम से कम तब तक नहीं जब तक तुम मेरे सपनों को समझ ना लो, और अगर नहीं समझे तो इसे फाइनल गुड बाय समझ लो। यहां तो मुझे गुड बाय निखिल।